वेलकम टू थाई प्लांट नर्सरी। और किसान भाई लोगों को मेरे तरफ से स्वागत है ये वीडियो देखने के लिए। और अभी मैं फिर आ गया हूँ दूसरा प्रोडक्ट आपका सामने लेके, और जो दिखाने वाला हूँ वो है ड्रैगन फ्रूट की। हमारा जो नया डेमो प्लॉट लगाया हुआ हम लोग, वो दिखा रहा हूँ आपको। और इसका उम्र हुआ है अभी 4 महीना 25 या 26 दिन, तो इसमें अभी फ्रूट आने का टाइम नहीं हुआ है। और बिना फ्रूट दिखा के आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोई कोई किसान पूछते हैं ड्रैगन फ्रूट कैसे लगाना चाहिए, कैसे होएगा, इसीलिए ये वीडियो है। और ये जो वैरायटी है ये रेड ड्रैगन फ्रूट की प्लांट है। हाँ, और इसमें जो आपको दिखाने वाला हो ये ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर ये वीडियो है। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए मेरा साथ जुड़ा रहिए। और इसमें आप अभी जो देख रहे हैं ये सीमेंट का बनाया हुआ एक एक खम्भा है, और इसका साइड से ये जो चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं यही है ड्रैगन फ्रूट की प्लांट। और वैरायटी रेड है, यानी इसका जो फ्रूट है उसका कलर आएगा रेड। और इसका फ्रूट लगना चालू होता है 1 साल के बाद, कई कई जगह में 2 साल से भी लगता है, इसीलिए हम 2 साल का गारंटी लेता हूँ। और ये देखिए, ये आपको ये खम्भा दिख रहा है, पहले आपको सीमेंट का खम्भा बनवाना पड़ेगा और मिट्टी में आपको 2 फीट मिट्टी का नीचे रखना पड़ेगा, बाकी ऊपर से टूट ना जाए इसके लिए। और एक एक प्लेयर का चारों तरफ 4 प्लांट लगवाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये जो इसका मेन प्लांट है वो यही है, और ये देखिए एक ही है, यहाँ से एक निकला फिर इधर से 2 निकल गया, और ये जो साइड से एक निकला इसका ग्रोथ ज़्यादा मिला इसके लिए ये ऊपर आया, और यहाँ से और 2 ब्रांच निकला, और ये 2 ब्रांच में से ये देखिए एक यहाँ तक आके रुक गया, और एक थोड़ा आके यहाँ से और एक ब्रांच छोड़ा, फिर यहाँ से ये गया पूरा ऊपर यहाँ तक आया है। और इसमें देखिए अभी यहाँ से नया नया ब्रांच निकलेगा। और यही प्लेयर का दूसरा दिखाता हूँ, ये देखिए इसका ये एक ये मेन है, और यहाँ से 2 ब्रांच निकला, फिर एक ब्रांच सीधा ऊपर की तरफ आ गया और एक ब्रांच इधर आके रुका है, जो ऊपर की तरफ गया वो इधर आके फिर 2 हिस्से में बट गया, तो एक यहाँ तक ख़त्म हो गया और एक यहाँ ऊपर तक, ये देखिए ये ऊपर तक इधर आके रुका हुआ है। और इसका जो तीसरा साइड है ये देखिए, ये है, यहाँ से 3 ब्रांच निकला, ये मेन है, यहाँ से 3 ब्रांच निकला, तो एक यहाँ रुका हुआ है और 2 दोनों तरफ से ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक इधर अभी कीड़ा की वजह से रुका हुआ है, ये देखिए ये कीड़ा का दवा हम डाल दिया इसीलिए अभी इसमें जान आ गया, और एक यहाँ से निकल के इधर आ गया। और जो इधर वाला है ये देखिए, इसका जो मेन ब्रांच है वो ये है, यहाँ से नीचे से ये देखिए एक छोड़ा और यहाँ से 2 हो गया, तो इधर से 3 हिस्सा हो गया, और इसका बीच में से इधर कांटे है, नहीं तो मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका पीछे से निकल गया और यहाँ से यहाँ तक आके रुका हुआ है, और इसका एक इस साइड में गया। और इसमें जो आपको कैसे करना है वो बताता हूँ। जैसा ये देखिए, इसका
अंदर से एक रूट आता है, वो ए प्लेयर को पकड़ लेता है। ये देखिए ये रूट है, और जब तक ये रूट निकलने का एक टाइम रहता है, इसका जैसे ग्रोथ मिलेगा तो उसमें रूट आएगा ये, और जब तक रूट नहीं निकलेगा आपको ऐसे डोरी या रस्सी से आपको बांध देना पड़ेगा, हल्के से बांधना पड़ेगा। ये जो है ये देखिए, ये थोड़ा टाइट करके बांधा था, इसके लिए इधर थोड़ा मुरझा गया, ये देखिए, और इसमें अभी रूट नहीं आया है, इसीलिए इसको ऐसा पकड़ के इसके साथ बांध देना पड़ेगा। बाकी यहाँ से जैसे रूट निकले इसके साथ ये हो जाए, और इसके बाद प्लेयर का एंड तक आके ये चारों तरफ फैल जाएगा। जब यहाँ से जैसे नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसमें आपको फ्रूटिंग आएगा, और यहाँ से भी कुछ कुछ फ्रूटिंग मिलेगा। तो ये जो प्लांट है इसमें इन्वेस्टमेंट एक ही टाइम करना है, और इसका प्रॉफिट एक साल के बाद, कई कई जगह में डेढ़ साल दो साल के बाद मिलता है। इसीलिए ये, और मेन बात जो है, जहाँ पानी का मात्रा कम हो उधर के लिए ये बेटर है। ये देखिए जो आपको बोल रहा था, ये प्लेयर पे ही है, यहाँ से आपको नीचे की तरफ जाएगा ये अपने आप, इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सभी नीचे की तरफ घूम जाएगा अपने आप। तो इसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मगर एक दो साल बाद से आपको मिलेगा। और आपको ये जो प्लांट है, ये एक प्लेयर से दूसरा प्लेयर का 5 फीट बाय 5 फीट का दूरी रखना पड़ेगा। और हमारा इधर है ये, यहाँ से ये प्लेयर का 5 फीट दूरी है, और यहाँ से ये प्लेयर का 7 फीट है, क्योंकि इसका बीच बीच में से हम दूसरा पौधा लगाया हुआ वो। ये देखिए, ये यहाँ से ये पौधा का 5 फीट दूरी है, और यहाँ से 7 फीट है, क्योंकि इसका बीच में ये पौधा लगाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा मदर प्लांट है, इसीलिए इसमें दूरी थोड़ा ज़्यादा है, और इसका ये जो 5 फीट का दूरी है, इसका बीच में भी हमारा दूसरा पौधा रहता है। तो ये ड्रैगन फ्रूट के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, और एक एक पिलर पे आपको 4 ड्रैगन लगवाना है, बाकी आपको चारों तरफ से इसको ग्रोथ मिले। ये देखिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और दूसरों वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, तो आप कॉन्टैक्ट करिए। धन्यवाद।